हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो अभी हम जो जो टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, मैक्सिमम पावर, नॉर्टन, थेवनिन, लास्ट क्लास में हमने करा था। नाउ वी आर लेफ्ट विथ सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट, और स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये दो टॉपिक रह गए। टाइम डोमेन अभी मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं यूनिट टू पे आऊंगी क्योंकि सिलेबस पूरा करवाना है। टाइम डोमेन पे जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, और आता भी है तो एक फिक्स्ड काइंड ऑफ आता है, वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सुपर पोजिशन थ्योरम के बारे में, फिर हमारी सारी थ्योरम्स क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। तो सुपर पोजिशन थ्योरम एक ऐसी थ्योरम है जिसमें इन्होंने कोई भी साइंटिस्ट का नाम यूज़ नहीं करा हुआ। फर्स्ट थिंग, इसमें हम कैसे यूज़ करते हैं इस थ्योरम को? ये थ्योरम तभी एप्लीकेबल होती है जब हमारे पास मोर देन वन सोर्स हो। लाइक फॉर एग्जांपल, मैंने ये एक एग्जांपल लिया है, हमारे पास ये वोल्टेज सोर्स है, रेजिस्टेंस है, अगेन करंट सोर्स है, और एक और वोल्टेज सोर्स है। तो इस सर्किट में बताओ हमारे पास कितने सोर्सेस प्रेजेंट हैं? इस केस में बताओ हमारे पास कितने सोर्सेस प्रेजेंट हैं? नहीं, टोटल सोर्सेस तीन सोर्स हैं, दो वोल्टेज सोर्स हो गए और दो करंट सोर्स हो गए, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। तुमने ये सुना होगा कि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, सुना है? नहीं, अब सुन लो, एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, कहावत होती है हिंदी की, ठीक है। चलो एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। तुमने अपने क्लास में, तुम नए नए हो और तुम्हारी क्लास में तुम्हारे टीचर ने सीआर बनाई। सीआर पता है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो ये मान लो 6 वोल्ट कह रहा है कि मैं सीआर बनूंगा, ठीक है। 10 एम्पियर कह रहा है मैं सीआर बनूंगा, और 5 वोल्ट कह रहा है कि मैं सीआर बनूंगा। तीनों आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। तीनों आपस में क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, ओके। तीन सोर्स हैं, राइट, ठीक है। तीनों क्या कह रहे हैं कि मैं बनूंगा, मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। अब इसके बाद ये कह रहे, अब तो टीचर आई, टीचर ने क्या कहा कि एक काम करो, पहले 6 वोल्ट तुम बन जाओ। टीचर आई, उसने कहा कि 6 वोल्ट पहले तुम बन जाओ, बाकी दोनों को मैं हटा देती हूँ। फिर उसने कहा 10 एम्पियर तुम बन जाओ, पहले वाले दोनों नहीं रहेंगे। फिर कहा थर्ड मंथ में 5 वोल्ट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। पहली बारी 6 वोल्ट की वो रहेगा, बाकी दोनों नहीं रहेंगे। फिर 10 एम्पियर बनेगा सेकेंड मंथ में, बाकी दोनों नहीं रहेंगे। थर्ड मंथ में 5 वोल्ट बनेगा, बाकी दोनों नहीं रहेंगे। फेयर इनफ कि तीनों की एक एक मंथ करके बारी आ गई, क्लियर। तो सेम चीज़ हमारे इसमें होती है सुपरपोजिशन थ्योरम में। फर्स्ट स्टेप में जितने सोर्सेज हैं हमारे, उतने स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास फर्स्ट सोर्स रहेगा, बाकी दोनों सोर्सेस क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। हटना इन द सेंस कि अगर हमारे पास करंट सोर्स है तो करंट सोर्स को हम क्या करते हैं? ओपन सर्किट। क्या करते हैं? ओपन सर्किट, जैसे हम आरटीएच निकालते हुए करते थे। और अगर हमारे पास वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं? शॉर्ट सर्किट। वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं? शॉर्ट, ठीक है। सेम वही है प्रोसीजर, वोल्टेज सोर्स जैसे रिश्तेदार है, दरवाजे बंद कर लिए, करंट सोर्स गर्लफ्रेंड है, दरवाजे खोल दिए। तो अब यहाँ पे क्या है, करंट सोर्स ओपन कर दो, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दो। तो ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट स्टेप। अब बताओ सेकंड स्टेप में हम किसको लेंगे, कौन से सोर्स को लेंगे बताओ? करंट सोर्स को लेंगे, सेकंड नंबर उसका है। तो बाकी दोनों को क्या कर देंगे? हटा देंगे, राइट। तो कैसे हटाएंगे? पहला वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दिया, फिर उसके बाद थर्ड हम सेकंड हमारा करंट सोर्स वो हम लेंगे, और दूसरा हमारे पास 5 वोल्ट वो भी लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है? थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? थर्ड सोर्स लेंगे, बाकी दोनों को हटा देंगे, राइट। तो फर्स्ट सोर्स वोल्टेज सोर्स शॉर्ट कर दिया, देन उसके बाद करंट सोर्स वो भी नहीं लेना, ओपन कर दिया। देन उसके बाद हमें थर्ड सोर्स लेना है 5 वोल्ट,
वोल्ट का, गॉट इट? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब इसके बाद देखो, सपोज दे आस्क यू टू कैलकुलेट करंट इन 3 ओम. मान लो उन्होंने कहा है तुम्हें कैलकुलेट करना है करंट 3 ओम में बाय यूजिंग सुपर पोजिशन थियोरम. तो 3 ओम में मान लेते हैं हम ऐसे करंट जा रहा है, तो फर्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? आई डैश सेम 3 ओम में, ठीक है. सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? आई डबल डैश सेम 3 ओम में. थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे? 3 ओम में आई ट्रिपल डैश, राइट. आई डैश है, आई डबल डैश है और आई ट्रिपल डैश है. तीनों की वैल्यू तुम्हें निकालनी है. अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम उसको कैसे निकालो, मैश एनालिसिस से निकालो या नोडल एनालिसिस से निकालो, तुम्हारी मर्जी है. बट प्रेफरेबल इजी इसमें नोडल एनालिसिस ही रहेगा, ठीक है. क्यों? क्योंकि ये तुम्हें ब्रांचेस, ब्रांच में करंट निकालनी है. मैश में निकालोगे तो लूप में करंट निकलेगी, राइट. अब देखो, ना तो हमसे क्वेश्चन में आई डैश पूछा गया था, ना हमसे आई डबल डैश पूछा, ना हमसे आई ट्रिपल डैश. हमसे क्या पूछा था? आई. तो तीनों करंट को ऐड कर देना, वो तुम्हारा क्या आ जाएगा? फाइनल करंट. अब नाउ द क्वेश्चन अराइज़, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम तीनों को ऐड ही क्यों करा, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करा? तो तुम देख सकते हो कि मेन करंट की डायरेक्शन तीनों की डायरेक्शन से क्या है? सेम है. डायरेक्शन सेम होती है तो तुम्हें पता है हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं. और अगर कोई भी डायरेक्शन उल्टी ले ली, मान लो आई डबल डैश की उल्टी ले ली तुमने, लेना मत, सेम ही लेना कोशिश करना, तो वो पर्टिकुलर आई डबल डैश क्या हो जाएगा? नेगेटिव, ठीक है. बोलो यहाँ तक कोई डाउट सबसे पहले तो? स्टेप नंबर 1 में हमारे पास एक ही नोड है, ये तो क्या हो गया? ओपन सर्किट हो गया, तो इसको नहीं कंसिडर करेंगे हम. तो 1 नोड है, तो 1 वेरिएबल, 1 इक्वेशन, और तुम्हारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा. अगर मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखूँ तो करंट ऐसे जा रहा है कि मान लेते हैं I1 या I- है ही ऑलरेडी, या I2, तो क्या आ जाएगा इसमें? I1 इज इक्वल टू I- प्लस I2. I1 कैसे जा रहा है? 0 से VA, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 माइनस VA, बैटरी का सेकेंड साइन +6/4. आई डैश कैसे जा रहा है? VA से 0, तो क्या आ जाएगा? VA -0/3. I2 कैसे जा रहा है? VA से 0, तो ये कितना आ जाएगा? VA -0/11, ठीक है. एक सिंपल तुम्हें VA की इक्वेशन सॉल्व करनी है, आई डैश आ जाएगा VA/3. अब इसी तरह सेकेंड स्टेप में बताओ मुझे कितने नोड्स हैं इस केस में? 2 नोड हैं, 2 नोड, 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन. तो नोड ए पे क्या इक्वेशन बनेगी? ये करंट कैसे जा रहा है? ऐसे ऐसे रैंडमली, देखो कुछ भी ले लो, मर्जी है तुम्हारी. तो नोड ए पे करंट ऐसे जा रहा है, तो 0 से VA जा रहा है, तो 0 माइनस VA/रेजिस्टेंस 4 इज इक्वल टू VA -0/3 प्लस VA-VB/9, राइट. और अगर मैं नोड बी की इक्वेशन देखूंगी तो नोड बी की इक्वेशन क्या बनेगी? ये भी अंदर जा रहा है, ये भी अंदर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है, बस एक ही करंट बाहर जा रहा है. और यहाँ पे इसकी वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है 10 एम्पियर. तो 10 प्लस VA-VB/9 इज इक्वल टू VB-0/2. 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा. इसी तरह तुम्हारे पास थर्ड स्टेप भी सॉल्व हो जाएगा. सॉल्व होने के बाद आई डैश आ जाएगा, आई डबल डैश आ जाएगा और आई ट्रिपल डैश. तीनों करंट को ऐड कर दोगे तो तुम्हारे पास फाइनल क्या आएगा? आई. गॉट इट? अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आया हुआ है. फाइंड द करंट आई इन द सर्किट एज शोन इन फिगर 2 बाई यूजिंग सुपर पोजिशन थियोरम. 5 मार्क्स का आया हुआ है, मे बी 7.5 का भी आ सकता है या कम का भी आ सकता है. अब इन्होंने मार्क करके दे दिया कि करंट कौन सी ब्रांच में निकालना है? 2 ओम में, राइट. तो कितने सोर्सेज हैं इस क्वेश्चन में, ये बताओ मुझे. कितने सोर्सेज हैं? 2 सोर्सेज है. तो ये क्वेश्चन कितने स्टेप्स में सॉल्व होगा? 2 स्टेप्स में. जितने सोर्सेस उतने स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बोलो? फर्स्ट
सोर्स को रखेंगे, राइट। वोल्टेज सोर्स है तो क्या कर देंगे, शॉर्ट। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को हटा देंगे और सेकंड वाला रख लेंगे। एक बार उसकी बारी आएगी, एक बार उसकी बारी आएगी। 2, 12, 1, 2, 3, इन्होंने 2 में बोला हुआ है, तो यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, आई डैश, और यहाँ पे हम क्या मार्क करेंगे, आई डबल डैश। ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। दोनों ही केसेस में कितनी नोट्स बन रही है, दो नोट बन रही है, दो। ये एक नोड है वी ए, ये भी एक नोड है वी बी। सिमिलरली यहाँ पे भी एक नोड है वी ए और यहाँ पे भी एक नोड है वी बी। बस कुछ नहीं, नोडल के अकॉर्डिंग करंट मार्क कर लो। I1 है, I2 है, I3 है, आई डैश इन्होंने मार्क कर रखा है ऑलरेडी, I4। तो नोड वी ए की इक्वेशन क्या बनेगी, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 कैसे जा रहा है, 0 से वी ए, तो 0 माइनस वी ए बैटरी का सेकेंड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। I2 कैसे जा रहा है, वी ए माइनस 0 डिवाइडेड बाय 12। I3 कैसे जा रहा है, वी ए माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 1। यही बनेगी। अब नोड वी बी की क्या बनेगी, I3 इज इक्वल टू I1 डैश प्लस I4। I3 मैश एनालिसिस से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये देखो ना, मैश एनालिसिस लगाओगे तो यहाँ पे I1, I2, I3 आएगा, है ना। तो तुम्हारा I डैश किसके इक्वल हो जाएगा, जो करंट सेम डायरेक्शन में वो पॉजिटिव, और जो करंट अपोजिट डायरेक्शन में वो नेगेटिव। बस ये ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि आई डैश तुम्हारा मिडिल ब्रांच में, और मिडिल ब्रांच में डबल करंट फ्लो होती है। इधर से देखोगे तो I2 और इधर से देखोगे तो I3। I2 की डायरेक्शन सेम तो पॉजिटिव, और I3 की डायरेक्शन अपोजिट तो नेगेटिव।